नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना से संबंधित। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर किस संदर्भ में ये चर्चा में है अभी, और क्या है आपका RBI सॉरी BRI परियोजना, क्या है BRI? कोरोना वायरस के प्रसार का उत्प्रेरक क्या है, क्यों है, उसे भी देखेंगे। और BRI परियोजना का वैश्विक प्रभाव क्या है, उसे भी देखेंगे। भारत पर इसका प्रभाव क्या है, उसे भी जान लेंगे। ठीक है। वर्तमान में विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं बंद अर्थव्यवस्था की अवधारणा से आगे बढ़कर लॉकडाउन की स्थिति में आ चुकी है। देख रहे हो आप लोग, कोई अर्थव्यवस्था अभी प्रगति पर नहीं है क्योंकि सब ठप पड़ा हुआ है। लॉकडाउन एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी महामारी या फिर आपदा की स्थिति में कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ ही अपने राष्ट्र की सीमाओं के भीतर भी आर्थिक संव्यवहारों पर प्रतिबंध लगा देता है ताकि उस आपदा या महामारी के प्रसार को स्थान विशेष तक सीमित किया जा सके। वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रसार ने अंतर्राष्ट्रीय परियोजना पर भी ग्रहण लगा दिया है। इन अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना यानी कि BRI का प्रमुख स्थान है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की एक महत्वाकांक्षा परियोजना है जिसमें विश्व के कई राष्ट्रों की सहभागिता भी है। रक्षा विशेषज्ञों एवं अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि कोरोना वायरस का प्रसार चीन के अतिरिक्त उन देशों में देख हुआ है जो चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भागीदार थे। विशेषज्ञों के अनुसार इस परियोजना के माध्यम से ही कोरोना वायरस के प्रसार में वृद्धि हुई है। बात कर लेते हैं क्या है BRI परियोजना। इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। हालांकि चीन इस बात से इनकार करता है लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अपना भू राजनीतिक प्रभुत्व कायम करना है। वर्ष 2016 से वन बेल्ट वन रोड परियोजना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। पहले से किस नाम से जानते थे, वन बेल्ट वन रोड परियोजना। BRI एशिया यूरोप और अफ्रीका के बीच भूमि और समुद्र क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीन द्वारा संचालित परियोजनाओं का एक समूह है। BRI को सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी की सामुद्रिक सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है। देख लीजिए, ठीक है, यूरोप अफ्रीका तक। ठीक, BRI पहले चीन द्वारा प्रस्तावित एक महत्वाकांक्षी आधारभूत ढांचा विकास एवं संपर्क परियोजना है जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल एवं जलमार्ग के मार्गों के माध्यम से यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जोड़ना है। यह कनेक्टिविटी पर केंद्रित चीन की एक रणनीति है जिसके माध्यम से सड़कों, रेल, बंदरगाहों, पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को जमीन एवं समुद्र से होते हुए एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने की कल्पना की गई है। विश्व की 70% जनसंख्या तथा 75% ज्ञात ऊर्जा भंडारों को समेटने वाली यह परियोजना चीन के उत्पादन केंद्रों को वैश्विक बाजारों एवं प्राकृतिक संसाधन केंद्रों से जोड़ती है। BRI के तहत पहला रूट चीन जैसे चीन से शुरू होकर रूस और ईरान होते हुए इराक तक ले जाने की योजना है, जबकि इस योजना का दूसरा रूट पाकिस्तान नदी के कश्मीर से श्रीलंका और इंडोनेशिया होकर इराक तक ले जाना है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य चीन को सड़क मार्ग के जरिए
पड़ोसी देशों के अलावा यूरोप से जोड़ना ताकि वैश्विक कारोबार को बढ़ाया जा सके। चीन से लेकर तुर्की तक सड़क संपर्क कायम करने के साथ ही कई देशों के बंदरगाहों को आपस में जोड़ने का भी लक्ष्य इस योजना में रखा गया है। BRI वास्तव में चीन द्वारा परियोजना निर्यात करने का माध्यम है, जिसके जरिए वह अपनी विशाल विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग बंदरगाहों के विकास, औद्योगिक केंद्र एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए कर वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना चाहते हैं। BRI कोरोना वायरस के प्रसार का उत्पेदक। यादों की कोरोना वायरस के उद्गम का स्रोत चीन का वुहान शहर है, जो दुनिया भर में अपनी सी फूड मार्केट के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला सूचीबद्ध मामला इसी सी फूड मार्केट में सामने आया। सी फूड मार्केट में विश्व के सभी दुर्लभ पशु पक्षियों का मांस बिकता है तथा इसे विभिन्न देशों में निर्यात भी किया जाता है। BRI परियोजना से जुड़े हुए देशों में कनेक्टिविटी व लॉजिस्टिक्स की बेहतर सुविधा के कारण इन देशों में दुर्लभ पशुओं व उनका मांस सरलता से निर्यात किया जाना संभव हुआ है, जिसके कारण इस बीमारी का प्रसार अन्य देशों तक भी हुआ है। BRI परियोजना के भागीदार देशों में एक प्रमुख आपका देश इटली भी है, जहाँ सबसे देखा है आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में केस पाए गए, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी में दिखे। इटली व चीन की विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों का इस परियोजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में एक दूसरे देश में आवागमन था, जिसके कारण कोरोना वायरस का स्थानांतरण मानव से मानव में हो गया। इटली एक ऐतिहासिक एवं पर्यटन गंतव्य है। BRI परियोजना में इटली के शामिल होने के बाद चीन के साथ लगातार यातायात की बेहतर कनेक्टिविटी पर तेजी से कार्य हुआ। परिणाम स्वरूप चीन ने प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक इटली के पर्यटक स्थलों पर जाने के लिए लगे। कोरोना वायरस के प्रसार के बाद भी लाखों लोग इटली गए, जिससे इस वायरस का प्रसार मानव से मानव में तेजी हुआ। इटली के पर्यटन स्थलों पर चीन के अतिरिक्त अन्य देशों के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जिससे इस वायरस का प्रसार अन्य देशों के पर्यटकों को भी हो गया। इटली के अतिरिक्त यूरोप महाद्वीप के पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, पुर्तगाल, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड जैसे देश भी BRI परियोजना का हिस्सा है। चीन के साथ इन देशों की भी बेहतर कनेक्टिविटी कोरोना वायरस के प्रसार का कारण बनी। ईरान पिछली काफी समय से अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों को झेलते हुए भारी संकट में, इस कारण उसने चीनी निवेश को बढ़ावा दिया और वर्ष 2019 में आधिकारिक तौर पर BRI परियोजना पर हस्ताक्षर किए। 2000 मील लंबे रेल ट्रैक जो पश्चिमी चीन से तेहरान होते हुए यूरोप में तुर्की तक जाएगी के काम को आगे बढ़ाया। ईरान के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि या तो चीन के कर्मचारियों या फिर चीन से होकर आने वाले ईरानी व्यापारियों से संक्रमण ईरान में फैला गया। BRI परियोजना से संबंधित CPEC प्रोजेक्ट का विस्तार चीन के कासगर प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक है। संभवतः पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के प्रसार का केंद्र बिंदु BRI परियोजना से संबंधित CPEC प्रोजेक्ट ही है। यूरोप के अतिरिक्त एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के कई देश चीन की BRI परियोजना का हिस्सा है। इन देशों में भी BRI परियोजना ने कोरोना वायरस के प्रसार में उत्प्रेरक का कार्य किया। भारत BRI परियोजना का हिस्सा नहीं है, परंतु भारत के प्रथम 3 कोरोना संक्रमित रोगी चीन के वुहान शहर से आए हुए थे। ठीक, अब बात करते हैं वैश्विक प्रभाव। कोरोना वायरस का प्रकोप चीन की निर्माण निवेश परियोजनाओं में देरी और व्यवधान को उत्पन्न कर रहा है। इस परियोजना के रुक जाने से कई वर्षों के परिश्रम और अरबों डॉलर का जोखिम है। इस वायरस के प्रसार को रोकने में क्वारंटाइन व आइसोलेशन जैसे उपाय चीनी श्रमिकों को विदेशी निर्माण स्थलों पर जाने से रोक रहे हैं, जिससे विदेशी परियोजनाओं में
श्रम की आपूर्ति करने वाले घरेलू फार्मों को श्रम शक्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वायरस के वैश्विक रूप से प्रसारित होने के बाद प्रभावित होने वाली परियोजनाओं में इंडोनेशिया में 5.5 बिलियन डॉलर की हाई स्पीड रेल लाइन परियोजना, मलेशिया में एक रेलवे इनिशिएटिव, श्रीलंका में बंदरगाहों के निर्माण संबंधी परियोजनाएं, पाकिस्तान में आर्थिक विस्तार संबंधी परियोजनाएं भी शामिल हैं। अतः इन देशों को व्यापक आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ सकती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान प्रांत के एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने सीपीसी परियोजना के कारण चीन की कंपनियों और सेना के तमाम कर्मचारियों को इस क्षेत्र में तैनाती के कारण कोरोना वायरस से संभावित प्रसार को देखते हुए सीपीसी परियोजना पर तत्काल रोक की मांग की है। कोरोना वायरस के प्रसार तथा विभिन्न देशों द्वारा वीआरआई परियोजना पर प्रतिबंध की मांग से चीन आर्थिक रूप से तनाव में है। ऐसे में चीन अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध में समझौता कर सकता है। चीन स्वयं द्वारा ऋण जाल में फंसाए गए देशों से ऋण वसूली की मांग कर सकता है। ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में चीन उन देशों पर अपनी साम्राज्यवादी नीति का प्रयोग कर सकता है या बीआरआई परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उन पर दबाव बना सकता है। चीन दुनिया भर में विनिर्माण की गतिविधियों का केंद्र या चीन की बीआरआई परियोजना को प्रतिबंधित किया जाता है तो विश्व के अनेक देशों के समक्ष विनिर्मित उत्पादों और सस्ते श्रम का संकट उत्पन्न हो सकता है। भारत पर प्रभाव की बात करें हम लोग तो भारत प्रत्यक्ष रूप से बीआरआई परियोजना का भागीदार नहीं है। यदि इस परियोजना पर प्रतिबंध लगता है तो निश्चित ही यह भारत की सामरिक चिंताओं को कम कर सकता है, क्योंकि इस परियोजना के एक भाग के रूप में सीपीसी पाकिस्तान कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से होकर जाता है, पीओके वाले से। ठीक है, चीन की अगुवाई में निर्मित इस परियोजना के प्रतिबंधित होने से भारत विश्व के समक्ष स्वयं को विनिर्माण के एक केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है। चीन बीआरआई परियोजना के माध्यम से भारत को भेजने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में यदि इस परियोजना को प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो भारत के प्रति उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति को गहरा धक्का पहुंचेगा। चिंता इस बात की भी है कि यदि चीन द्वारा ऋण प्राप्त भारत के पड़ोसी श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ऋण चुकाने में विफल रहे तो चीन इन देशों में को अपना उपनिवेश बना सकता है, जो सीधे तौर पर भारत के सामरिक और रणनीतिक हितों को चुनौती भी देगा। आगे की राय क्या हो सकती है उसे भी देख लेते हैं। इस संकट की घड़ी में विश्व के सभी देशों को अपना पूरा प्रयास इस वैश्विक महामारी से निपटने की दिशा में करना चाहिए। वैश्विक महाशक्तियों को अपने संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करते हुए समस्त प्रयास इस महामारी की हर संभव रोकथाम की दिशा में करने चाहिए। इसके साथ ही भारत से सीख लेते हुए अपने पड़ोसी देशों व उनके क्षेत्रीय संगठनों जिनका भी हिस्सा है की ओर से सहायता का हाथ बढ़ाना चाहिए। चीन को आगे बढ़कर इस वैश्विक महामारी पर किए गए अध्ययन को विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य देशों के साथ साझा करना चाहिए ताकि इस वायरस के प्रसार को रोकने में सामूहिक उपाय किए जा सकें। विश्व के सभी देशों को विनिर्माण क्षेत्र व आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न केंद्रों के निर्माण की दिशा में भी कार्य करना होगा। तो चलिए, ये था आपका बीआरआई परियोजना से संबंधित आर्टिकल।